और आज है हैप्पी न्यू ईयर, तो सबसे पहले तो मैं सबको विश कर देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मम्मा रेडी हो गए? जी। परफ्यूम क्यों होता है मेरा? अच्छा जी, तो मैं तो व्लॉग बना रहा था और ये बच्चे मेरे को इतने गौर गौर से देख रहे थे, अब जैसे पता नहीं मैं क्या काम कर रहा हूँ। अभी हम ढूंढ रहे हैं इधर की पान शॉप, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू ट्राई पान। ये हसन साहब ने कुछ खाया और उसको खांसी लग गई है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। 8 7 6 5 4 रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से हो। तो आज है 31st of December, आज है हैप्पी न्यू ईयर, तो सबसे पहले तो मैं सबको विश कर देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। वैसे तो वीडियो आप, क्योंकि आज 31st December, लेकिन वीडियो आपको देखने को मिलेगी 31st December के बाद, यानी कि 2023 में। सो ये 2022 का मेरा शूट करने का लास्ट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी 2023 में। सो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। तो आज है 31st December, न्यू ईयर के साथ साथ आज है मेरी बिग सिस्टर का बर्थडे। सो रात में छोटा मोटा केक सेलिब्रेशन कर लिया था, जो कि मेरी आनी आई थी, वो भी रात के मिडनाइट ऑफ यानी कि 12 बजे। सो लेकिन आज मम्मा ने बोला कि क्यों ना हम लोग बाहर जाएं, थोड़ा डिनर करें, थोड़ा फैमिली प्लान बनाएं, बिकॉज आज न्यू ईयर भी है, ऊपर से आप ही का बर्थडे भी है, ऊपर से मैं थोड़ा पटाखे पटाखे भी देख लेंगे। सो हमने बोला भाई ठीक है, हम तो जाने के लिए रेडी है। सो मैंने बना लिया आज का व्लॉग, तो अभी हम लोग जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं तो व्लॉग बना रहा था और ये बच्चे मेरे को इतने गौर गौर से देख रहे थे, अब जैसे पता नहीं मैं क्या काम कर रहा हूँ। खैर मुझे भी वैसे शर्म आ रही थी, सो मैं चुपके से इनका वीडियो कैप कर। इधर सूरज हुआ मदम, चाँद निकल, किधर है चाँद, हो रहा चाँद निकलने लगा। तो होना सर चलने लगे हैं थल्ले, झुलने लगे हैं थल्ले। इससे तो पहले मेरी मम्मा दी आवाज़ आ झुले, तो ऐसा थल्ले क्या बोलते हैं, जैसा थल्ले उतरते हैं, थल्ले झुलते हैं, चलो निकलते हैं। So guys, I'm all ready, I'm done. अभी आप यहाँ रेडी हो चुकी हैं, मम्मा रेडी हो गए? जी। परफ्यूम क्यों होता है मेरा? इनके पास इनके खुद के परफ्यूम्स हैं, लेकिन जब मैं अपना लेकर आया ना पर्सनल परफ्यूम, वो भी इनको जगह मैंने छुपा के रखा, लेकिन जगह इनको पता चले गया और ये लोग अब यूज कर रहे हैं। छुप सकता। और घर में कुछ भी पर्सनल नहीं होता। हाँ, और ये लोग कल से मेरा परफ्यूम लगातार यूज करे जा रहे हैं, जब तक खत्म नहीं होगा। ठीक है, बाकी हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी बस आने का वेट है, आनी आएंगी फिर हम लोग निकलेंगे। और हैप्पी न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर। को नहीं लेकर जा रहे क्योंकि हो सकते हैं हमें आते आते 12 बज जाए, 12 बजे से ज़्यादा हो जाए। सो हमें अपनी दादी को घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि दादी एक हार्ट पेशेंट हैं और बाहर आते हुए हो सकता है कि क्रैकर्स वगैरह फट जाएँ। सो दादी डरती हैं, इसलिए हम दादी को घर पर ही छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं बस रोड पर, न्यू ईयर की वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा रश है। सो वी आर फाइंडिंग ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर हमें बैठने की जगह मिल जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा रोड खराब है। सो कितने ले रही हो? कितने का है? तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोई फूड सेंटर और अभी फाइनली हमें जगह मिल चुकी है, तो अब हम अपना खाना ऑर्डर करेंगे। मेन्यू इज हियर, क्या मंगाएंगे? देखते हैं। देखें मम्मा ने गजरा रखा। और अभी क्या मंगाया आपने, क्या लगता है? थोड़ा जोर से बोला ना, क्योंकि वो शोर हो रहा है। हमने बिहारी कबाब मंगवाए, कढ़ाई मंगवाई है, उसके अलावा बिरयानी मंगवाई है, और इसके अलावा भी और चीज़ें देख रहे हैं। कन्फ्यूज़ है, मैं नहीं समझ आ रहा क्या बता। जी ये रहा केक, अब मेरी दोनों सिस्टर्स अभी अलग केक कट करेंगी। तो दोस्तों खैर अभी इधर हम लोग अपनी आपी का बर्थडे सेलिब्रेट कर, दोनों आपीस का। सो मेरी एक आपी का बर्थडे जो है 31st of December, जो कि एक्चुअल डेट थी, बाकी जो मेरी दूसरी आपी है उनकी थी 3rd of December, लेकिन उनके उस वक्त एग्ज़ाम चल रहे थे, उससे हमने उनका केक नहीं कट किया। सो या हम उनका दोनों का बर्थडे हम लोग साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो जैसे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सो दे बहुत लाइक के बिल्कुल भी शोर नहीं करना, हैप्पी बर्थडे वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल चुपचाप केक कट करेंगे, बिकॉज शी इज़ काइंड ऑफ शाई पर्सनैलिटी, यू नो। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग आराम से अपना केक
कट करेंगे बिल्कुल खुफिया तरीके से, तो आप लोग नहीं ज़्यादा शोर वगैरह कुछ नहीं करना ताकि किसी को पता ही ना चले। खैर हम लोगों ने वहाँ पे कट किया, लेकिन एक और चीज़ हम भूल गए, कैंडल लेना। लेकिन फिर थोड़ा मम्मा को वो भी हुआ कि कैंडल हमने क्यों नहीं ली, लेकिन वो कैंडल लेना मैं ही भूल गया था। तो खैर बस हमने यही फिर हमने बर्थडे केक कट किया और हमने बहुत सारा इन्जॉय किया। आंटी मेरे को खिलाएगी, मेरी बना आंटी, पकड़ो उसको, खिलाया ना सबसे पहले उसको खिलाया, मुझे तो खिलाया भी नहीं, मेरा बच्चा। हमारा कुछ सामान आ चुका है, इधर रहे हमारी पूरियां टाइप पराठे और ये रहा सैलेड और इधर बाहरी कबाब और इधर कढ़ाई। लेकिन अभी कुछ आया, अभी जब सारा आएगा तो हम आपको तब भी एक साथ दिखाएंगे। रोटी रोटी तो जी इधर हमारी बिरयानी भी आ चुकी है एक मिनट, और इधर ये नान भी आ चुके हैं। मैं तो हर जगह जाके बिरयानी खाता हूँ सिर्फ। देखिए इनके गजरे से इधर हो चुका है गुलाब गुलाब और इधर हमारा सारा डिनर वगैरह फिनिश हो चुका है। बस ये रहा, हाँ और ऐसा लग रहा है हम किसी शादी के टेबल पे खाए थे, बिकॉज इधर फ्लावर्स ही फ्लावर्स। हम निकल चुके हैं बाहर और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी सारी रश है। आज है न्यू ईयर और आज है इतनी ज़्यादा रश, तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हम 12 बजे से पहले घर ना जाएँ। हम निकले 2022 में लेकिन जाएंगे 2023 में घर। तो मेरी मम्मा देखे लकड़ी के चमचे वगैरह देखने लग गई। आपको कोई पसंद आ भी रहा है, आप भी ले लें आंटी, अच्छे लग रहे हैं। ढूंढ रहे हैं इधर भी पान शॉप, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू ट्राई पान, लेकिन रश इतनी है क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चलिए। होटल आप मेरे पीछे देख सकते हो, दुआ होटल। वैसे जो हमारा मेन रीज़न था यहाँ पर आने का वो था स्पेशली चाय पीना। सो या वी आर गोइंग टू टेकिंग टी। तो जी ये रहा हमारा दुआ होटल, हमारा नहीं मतलब सबका। Over the होटल वैसे हमारा यहाँ पर मेन मोटिव जो था वो था सिर्फ और सिर्फ चाय पीने का। तो हम बेसिकली हमारी आने के कहने पर हम इधर चाय ट्राई करना है, क्या कि चाय कैसी है। बाहर अभी हम यहाँ पर पान दिखाएंगे, मेरा पान। सो नाउ वी आर गोइंग टू ईट माई पान। मुझे अभी इतना बुरा लग रहा है क्योंकि अभी 12 बजे और 12 बजे से पहले घर जा रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मा को लगता है कि पटाखों से जा क्रैकर से, और वो कह रही है कि कराची के लड़ ठीक है इसलिए वक्त से पहले अपने अपने घर निकल लो, तो लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि कम से कम आधा पौना घंटा फायरिंग होती है खुशी में, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, क्योंकि मेरा प्लान था कि हम लोग यहाँ से कहीं और पे जाते हैं, लेकिन 12 बजे से पहले भी हम लोग उसको घर लेकर जा रहे हैं। यहाँ हो रहे हैं 11:28, तो हमें जो है वो 12 बजे से कोशिश है कि पहले पहले घर पहुँच जाए। दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। 2000 years later 8 7 6 5 4 3 2
Happy New Year! Happy New Year, guys. So 2023 शुरू हो चुका है और हम 2000 देखे पटाखों की आवाज़ आपको आने लग गई होगी यार। हम लोग 2022 में गए थे और हम लोग घर आए हैं 2023 में और हम लोग जैसे ही घर आए इतने सारे पटाखों के अभी इतनी सारी पटाखों की आवाज़ आ रही और मेरे घर में भी मम्मा बहुत ज़्यादा डर रही है। देखिए अभी मैं बाहर जाऊँगा पटाखे बना के देखूँगा।